भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताएं हम आपको कक्षा आठवीं के लिए, कक्षा आठवीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी खास बात बताएं जो आपसे अगर समीकरण हल करना भी बिल्कुल नहीं आता, भैया समीकरण को सा भी नहीं बनाते हो, कच्छो न बनाते हो, बस आप लोग एक बार वीडियो देख लो, हम आपको समीकरण हल करना सिखा दें। समीकरण की गारंटी हमारी कि समीकरण हल करना आप सीख जाओ, सिर्फ आपको वीडियो देखना लास्ट तक, वीडियो देख लोगे लास्ट तक तो मान जाओ हम आपका समीकरण बन गए, बस इतनी हम कैसे को और कच्छ नहीं, बस वीडियो आप पूरा देखो। समीकरण हल करना ना बने तो बताइए, कमेंट में जरूर बताना, अगर बनने लगे तो बताना जरूर, ना बने तो भैया ना बताए, क्या दिक्कत है। बस वीडियो एक बार अगर आप देख लो तो हम आज हम जो कह रहे हैं कि आपसे बने जी, हमने सब तरीके बताए। देखो समीकरण में आपका एक तो पहचान को तो आउट ही है, जो हमारा जो तुम्हारा, जैसे अपन घर परिवार में होती, घर होते अपने परिवार में ही होता है कि भैया अपनों अपना सबको, आजकल की दुनिया में सबको अपना जाना उनकी पलावा छो हमारा, तो जो आजकल सबको जाना तुम ये बात तुम्हें जाना था ना, तुम जो जाना था, तो जितने भी चीज होते हैं दो जने तो होते ही, एक अपने होते एक पराए, तो तुम अपने की ये समझ लीजिए ईबीसीडी के, अच्छा जी संग लगी रात भी अपने कहा है सुने अपने साइड ना है, जो पराए हैं उन्हें वहां फेंक दे, मतलब उन्हें भगा दे अपने घर से, जो अपने हैं उन्हें अपने घर ले आने, जो पराए हैं उन्हें घर से बाहर कर दें। इतनी सी बात अगर आप लोग ध्यान रखो तो बस आपको समीकरण हल कर वो बन से कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ वारंटी ले लो, गारंटी की जरूरत है, बस आपको लिया भी पठावे की लाना, सब आपको प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना है, गुणा को भाग और भाग को गुणा करने, जे आपका दो ठे रूल सीखने पक्षांतर के बस, इधर तो पूरी रामायण समाप्त ही हो जाने, ठीक है। अगर आपने तो कर लो तो रावण तो मरेगा, समझो। देखो आपका ही पक्षांतर देखो ध्यान कर रखने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर दो समीकरण आए हैं, दो समीकरण आए भैया, जो समीकरण आपका ऐसे याद जो दोनों पक्ष में चल रहे हैं आपके, पहले तो हाँ पहले पिछले साल तो भैया है था कि पिछले साल नहीं एक दो साल पहले है था इसमें कि आपके एक पक्ष में भी एक एक अब इसमें दोनों पक्षों में चल रहे थे, पहले एक पक्ष में भी चल रहे थे, अब आपके दोनों पक्षों में चल रहेंगे और कोई नहीं चाह रहा है, दोनों पक्षों में चल राशि आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे दोनों पक्षों में, तो भैया दोनों पक्षों में चल रहे हैं तो चर की लाने हमने कब बताओ तो भी अपने या तो ने अपने साइड ले आए हैं, बस चिन्ह पहचान को देख लो, जोन कछु में चिन्ह कछु का नहीं हो तो देखो पांच में चिन्ह कछु को ये समझ लीजिए प्लस को है, ठीक है, जो दो भी का प्लस को है, लेकिन इसमें दिखता नहीं है प्लस, प्लस वाले कभी दिखाते नहीं फिरते, अपने दिखावा नहीं करते, जो पैसे होते उनके पास से कभी दिखावा नहीं करते, ज्यादातर जिसकी लिमिट को होती ज्यादा नहीं हो तो भैया दिखाते, लेकिन देखो ध्यान रखना हमारे ये प्लस के पांच है और जो माइनस के चार जी पराए हैं, तो पराए को मान ले जाओ अपने ना ले आओ, दो आई है और इधर को जब पक्षांतर डाल रहे पक्षांतर करें कल तो पक्षांतर करने पर बीच को भी डालने पक्षांतर करने पर, जैसे हमने डाल दिया पक्षांतर करने पर लिख दिया ना, पक्षांतर करने पर लिख दिया, अब आपको जो सीधा लिखना, अब अपने जो दो आई है इधर रहेगा जो, तो इसी साइड के जो अपने वाले तो अपने इधर ही रहेंगे, बीच में बराबर लगाएंगे, रुक जाओ पहले तो जो ले आओ ना अपनों अपने वालों से ले आओ ना, इस प्लस जो तो प्लस को है तो हमने कहा तो प्लस को पक्षांतर दूसरे साइड ले जाए बराबर के उस साइड ले जाए, तो ना ले आ चाहे ना ले आ, प्लस है तो कहा जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस है तो पांच का हो जाएगा माइनस का पांच वाई हो जाएगा, बराबर नहीं करते लगा देना, जो बीच का बराबर नहीं करते तो जी माइनस आठ है आपका माइनस आठ भी नहीं करते, क्योंकि इसका चिन्ह चेंज कर देना जी आपका माइनस आठ, संख्या के चिन्ह आगे होता उसका पीछे मत देखना, इसके आगे प्लस का है इसके आगे माइनस का, तो जी माइनस का इसका कहा है, अब जे वाला इसके आगे तो चार माइनस लगा तो मतलब माइनस चार का हम साइड, हमने क्या कहा था कि भैया प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, उल्टो याद रखना माइनस है तो भैया ना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ गया, बस इतना ही तो ध्यान रखना और कछु में ध्यान रखना, तुम पे कछु गौर करवा रहा है तुम्हें इतनी चीज तो ध्यान रखनी भैया प्लस हो तो ना माइनस आ जाए, माइनस है तो वहां प्लस पहुंच जाए, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इतना तो होते याद हो कछु में गुणा भाग भाग को गुणा, तो याद रखने अब यहाँ पर घटाना में याद रखना होता है जी आपका दो का कहा भैया प्लस का, जिसमें चिन्ह नाम हो तो हमने बताया था प्लस का होता है, और एक बात और ध्यान रखियो माइंड में फिक्स कर रही, अगर आप प्लस में तो घटाओ तो प्लस चिन्ह, अगर आप प्लस में से घटाओगे तो प्लस आएगा और माइनस में से घटाओ तो माइनस आएगा, और घटा भी की में से जो बड़ा योजने से घटाएं, अब आप हमें तो देख रहे हैं कि हम तो दो तो बहुत छोटे हैं जी प्लस के छोटे, तो इनमें से तो घट नहीं सका जी पांच, अब
प्लस माइनस वाले बड़े हैं तो माइनस में से घटा भी, जो बड़ा उसी में से घटाएंगे, जिस जो जिसका जिसका जो बड़ा होता उसी का राज्य चलता। अपन तो पछाड़े से जानत के पैसे पहले के राजा जिस जो मजबूत होता जो बलवान होता तो उसी का शासन चलता था। ऐसे ये भाई कहते हैं कि जो बलवान होगा जो बड़ा होगा उसी का इधर शासन चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। जो जिसमें ताकत होती उसी का शासन चलता, तो यहाँ बड़े को है जो बड़ा उसी का राज्य चलेगा। तो माइनस का बड़ा तो इधर माइनस ही आएगा, ठीक है, तो माइनस आएगा जरूर। तो माइनस पांच में से दो घटाए कितना आएगा तीन, तो माइनस का तीन वाई सही का तीन लगा देना आपको पीछे चिपका देने, वाई तो आपका लगा देना, वाई ना छूट है, ठीक है। और जो आपको घटाना ना बनता हो तो कमेंट जरूर करें इनका बता दें जरूर, ठीक है। तो इधर भी अब देखो आठ में चार में से तो घटा नहीं सके, माइनस प्लस में घटाना तो होता ही है। अब अपन घटा है कि में से घटा कि में से सके बड़े में से, तो बड़े का चिन्ह माइनस और माइनस लगाएंगे, वो आठ में से चार गए तो चार बचेगा। और ये माइनस से माइनस कट गया और बचा आपका थ्री वाई बराबर चार। और जे आपको यहाँ पर चिपके रहते हैं, हम बता दें चिपके वाले कहलाते हैं कोड़ा, जो नीचे चिपके रहता वही कहलाते भाग। जैसे आपका इधर आ जाता है y बटे पांच, तो ऐसा रहता जो नीचे लिखा रहता भाग कहलाता, नीचे पांच भाग में लिखे। अभी तो गुणा लगा तो गुणा का भाई ये पक्षांतर कहाँ होता था, भता है भाग नीचे कहलाता मतलब पटे में कहलाता। तो जो चार का तीन कहाँ आएंगे, चार के नीचे मतलब नीचे आ जाएगा, तो चार बटे तीन हो जाएगा। वाई का समीकरण कहा कितना आ गया, चार बटे तीन हो गया, बस इतना ही कहना था। अब इसको आप बिना देखे ऐसे बता दोगे, हमारे जो चार जे हमारे वाली है जी अपनी है, तो जी आपने ना रख रही सब माफी पे भी हम पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर पक्षांतर करने को लिख दो, पक्षांतर करने को पक्षांतर करने को पक्षांतर करने को सबसे पहले आपको पहचानो जिसमें एबीसीडी का अच्छा लागू भी अपनी है, तो जे भी अपने ही चला रहा है, जी अपनी है तो जी पराए हैं तो पराए को माफ है को अपने भाई तीन जेड जाएंगे तो देखो तो छह जेड प्लस को, तो प्लस जिसमें चिन्ह ना हो तो हमने बताया था को प्लस का होता, तो प्लस का होगा तो कहने होगा चिन्ह प्लस है तो उल्टो सीधो माइनस छह जेड माइनस बराबर लगाओ। अपना जी आठ का चिन्ह प्लस है तो आठ में चिन्ह को दिखा दिखावे की जरूरत नहीं, प्लस और माइनस हो तो लगाते भैया प्लस का कहाँ जाएगा, जे तो पराए हैं तो पराए को माने जाओ, और माइनस का चार इधर आ जाएगा प्लस था तो माइनस हो गया। अब छेद इधर घटाने, अब बताओ तो हमने कि जी को बड़ा हो जी को शासन, तो यहाँ बड़ा को है भैया छह माइनस का बड़ा तो माइनस आएगा, और छह जेड में से तीन जेड जाएंगे तो तीन बचेगा तीन जेड, और इधर बड़ा तो भैया प्लस आएगा तो भैया प्लस वाली का राज्य चलेगा, तो आठ में से चार गए तो प्लस आएगा चार आना है, ठीक है। और जेड यहाँ पर जो गुणा का है, गुणा में तो गुणा का पक्षांतर कहाँ जाता है भाग, तो चार बटे तीन लिखता जाएगा माइनस का भैया भाग पक्षांतर गुणा वाले पक्षांतर तो चिन्ह माइनस प्लस के सब जाता है। अब ठीक है जी माइनस का चिन्ह भी इस साइड पक्षांतर हो गया, ठीक है संग इसमें नहीं कि भाग इसमें चिन्ह बदल दो, तब जो नीचे ले जाओ तो भाग में चिन्ह नहीं बदलते, जो गुणा में हो चाहे भाग में, तो गुणा भाग में चिन्ह हो तो उनको नहीं बदलते, जो चार जहाँ जैसे होते हैं जहाँ जितने चिन्ह लें होते चले गए अपने लें, जो माइनस लें तो अपने पूरे माइनस नहीं होते हैं, कोई कार्य दे देंगे जी प्लस माइनस वाले दे रहा बदलत रहा तो नहीं बदलत कौन चिन्ह, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।